जी अंजना, वापस आ चुके हैं हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहते हैं आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और अभी आप सुन रहे थे जेम्स ब्लंट की आवाज़ में योर ब्यूटीफुल, और गाने ने वाकई एक माहौल सा बना दिया है, और वो जो खलिश सी थी वो ख़त्म हो गई है। वो खलिश मेरे ख्याल से अपनी ज़ात की प्रेजेंस से ही ख़त्म हुई है। बाज़ दफ़ा वाकई सिर्फ इंसान का फिज़िकल स्टेट में आपके नज़रों के सामने होना ही काफ़ी नहीं होता है, उस जिस्म के साथ दिल का एक गहरा रिश्ता और ताल्लुक होना भी ज़रूरी है, आपकी रूह का ताल्लुक होना भी ज़रूरी है। और फिर जहाँ दिलों के रिश्ते हों, जहाँ पर रूह के रिश्ते हों, तो वहाँ पर फासले इतने मैटर नहीं करते हैं। शायद ये वक्त हमें यही समझाने आया है, यही बताने आया है कि हम इस आँख से, इस ज़ाहरी आँख से जिन लोगों को अपने पास देखते रहे, जिनको अपने साथ समझते रहे, वक्त ने साबित किया है कि साथ रहने से ज़रूरी नहीं है कि दिल के रिश्ते भी उतने ही गहरे हों, और रूह के रिश्तों का ताल्लुक भी सिर्फ ज़ाहरी प्रेजेंस से नहीं है। आप किसी की ज़िंदगी में हों तो आपका एक हार्टफेल्ट डीप इमोशनल बॉन्ड भी होना चाहिए उसके साथ। कोई आपकी ज़िंदगी में स्पेस, आपके घर में स्पेस ले रहा है, तो उसकी आपके दिल में भी उतनी ही स्पेस होनी चाहिए। बात तो तब बनती है, रिश्ते तो तब बनते हैं, वरना वो क्या है कि खाली वाइब्स मिल जाने से, खाली कनेक्शंस मिल जाने से, या फिर खाली किसी के ज़ाहरी साथ चलने से ज़िंदगी आसान नहीं हो जाती। और आज उसका इम्पैक्ट जो कलयुग फिफ्टीन जनवरी से स्टार्ट हो चुका है 2024 का, उसका असर आज कुछ गहरा ही हो रहा है। और वैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट और देती चलूँ रिगार्डिंग दिस होल ईयर, क्योंकि गाहे बगाहे मैं हर महीने के साथ आप लोगों को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली, एनर्जेटिकली और कॉस्मिकली भी आप लोगों को अपडेट करती चलूँ कि एनर्जी की भी एक ज़बान होती है, कि एनर्जी आपको क्या बता रही होती है। तो जो एनर्जीज हैं इस साल की, वो अच्छी तो बहुत है, इन द सेंस ऑफ कि आपको मटीरियल अबंडेंस, आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है इस साल। लेकिन अब आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि जब हम कहते थे कि यार पैसा मिल जाए बस, हमें हर मसले का हल हमारा सिर्फ पैसा ही होगा, तो इस साल हमें वो जवाब मिलने वाला है कि हमें पैसा तो मिल जाएगा लेकिन हर मसले का हल पैसा नहीं होता। इस दिल की खलिश का हल पैसों से दूर नहीं होता। इस दिल की खलिश को कोई अपना चाहिए होता है, कोई मुस्कुराने वाला, कोई महसूस करने वाला, कोई समझने वाला, कोई साथ बैठने वाला, कोई बात को सुनने वाला, कोई बात, दिल की बात को समझने वाला, कोई खामोशियों की सदाओं को समझने वाला, कोई आंखों की जबानियों को समझने वाला। चलिए जनाब, आपको गाना सुनाते हैं। और गाना मेरा क्या कह रहा है, गाना मेरा क्या है, ये है मैं कदा, ये नहीं मेरा तो आज वो क्या है ना, वो लाइन ही दिमाग में बैठ चुकी है कि कोई खलिश सी है हवाओं में बिन तेरे। तो हवाओं की खलिश खुदा करने के कम हो, वरना तो क्या है कि ये खलिश जो है गले की खराश भी बन सकती है। पहले गले की खराश नहीं जान छोड़ रही थी, अब दिल की खलिश नहीं जान छोड़ी। अच्छा जी, तो चलिए जनाब आपको गाना सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं। कौन सा गाना है, एलिस्टियर एल्विन, आरिफ लोहार, आतिफ असलम। आतिफ असलम क्या कह रहे हैं, चलें जी फिर आपको सुनाते हैं आतिफ असलम का गाना, आतिफ असलम का गाना सुनाते हैं। और जब आतिफ असलम गाना गाते हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता है ना, फिर गम भी अच्छा लगने लग जाता है। चलें फिर एक ही काम करते हैं, तेरे बिन। जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। जी हाँ, भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा फिल्म स्पेस, देखकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और मैं आपको वाकई लिए जा रही हूँ अपने अगले गाने की तरफ, और अगले गाने पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब आप मुझे अब मेरे शोज जो हैं वो देख भी सकते हैं, और मेरे शोज देखने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा यूट्यूब पर मेरा FM को। और मैं
इस वक्त एक गाने की तलाश में हूँ, वो गाना जो मेरे दिल को इस वक्त बहला सके। हो इश्क बेपरवाह हो नु मिल दी सजा। कहाँ है ये इश्क बेपरवाह। ना छेड़ मलंगा नू असी इश्क दिमाग। चलें जी, अच्छा जी, वो भी कोशिश करते हैं आपको सुनाते। पहले आपको सुनाते बिलाल से का ना छेड़ मलंगा नू। जी हाँ जनाब, बिल्कुल, आप सुन रहे हैं स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और फाड़ ली है मैंने अपनी कमीज। इस माइक में फंस के मेरी नेट की कमीज जो है वो बेचारी कितने अरसे से मैंने सेव की हुई थी, और आज जो है उसका आखिरी दिन था मेरे साथ। पता ही नहीं चलता कब कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आखिरी लम्हे के लिए हो, पता ही नहीं चलता। एवरी थिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट, एवरी पर्सन हैज़ एन एक्सपायरी डेट, एवरी कनेक्शन हैज़ एन एक्सपायरी डेट विद इट, एवरी थिंग हैज़ एक्सपायरी डेट ऑन इट, इवन वी डू हैव एक्सपायरी डेट्स विद अस। पता नहीं कब हमारी एक्सपायरी डेट हो और हम चले जाएं, लेकिन हमें वो एक्सपायरी डेट्स, वैसे प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसे चेक करते होंगे एक्सपायरी डेट्स, चाहे वो शैम्पू है, कंडीशनर्स हैं, स्पेशली जब आप डेयरी मिल्क्स वो लेते हैं, जब आप चॉकलेट्स लेते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, दूध दही पाउचेस लेते हैं, तो तब आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करते हो। स्पेशली दूध दही में तो चेक करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट्स कम होती हैं, जूसेस में भी। लेकिन ज़िंदगी में बाकी और चीज़ों की होती है एक्सपायरी डेट, तो हर चीज़ की है, लेकिन हमारी ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होती। इसी तरह बाकी हमारे कपड़ों की एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, बेचारे कब तक हमारे साथ रहने, कभी भी कोई भी दिन किसी भी कपड़ों का आखिरी हो सकता है हमारे साथ। आई वॉज वॉचिंग माई इंस्टाग्राम रील्स और मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और एकदम अचानक से मुझे ख्याल आया कि यार इनमें से बाज़ दफ़ा हम कहते हैं ना यार कि कितने सारे लोग हैं, एक तस्वीर आप देखते हो आप कहते हो यार इतनी पुरानी तस्वीरें, इसमें तो कितने लोग अब मेरी ज़िंदगी में। मैं देख रही थी कि कितने कपड़े ऐसे हैं कि जो मैंने आई हैव लॉस्ट ऑल माई क्लोथ्स, जो मेरे ख्याल से आज से 5 साल पहले मेरे पास कपड़े थे, और 5 साल पहले या 6 साल पहले या 8 साल पहले जिन कपड़ों में तस्वीरें होती थी उनमें से अब इक्का दुक्का शाजो नादिर कोई एक आध कुर्ता होगा या कोई एक आध शर्ट होगी जो पड़ी होगी, बाकी तो सभी चेंज हो गए। सो हाउ लाइफ चेंजेस ना, आपका आपका पहनावा आपकी शख्सियत के साथ साथ वक्त के साथ साथ किस तरह से ग्रो करता जाता है। इसी तरह जब आप अपनी पुरानी तस्वीरों में देखें, जब पुराने लम्हों को देखें, तो उन दिनों में आपके पास आपके साथ और लोगों के साथ तस्वीरें होती होंगी, और अब आपकी ज़िंदगी में अब आप देखते हैं तो नए लोगों के साथ तस्वीरें होती हैं। सो दिस इज़ हाउ लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड दिस इज़ लाइफ हाउ लाइफ गोज ऑन। ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। चलिए जनाब, गाना सुनाते हैं आपको, दिल की इस खलिश का मदावा करते हैं और गाना सुनते हैं। और क्या कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, बातें बातें कर सकते हैं, जी सकते हैं, मर सकते हैं, रो सकते हैं। एब्सेंट कौन, एब्सेंट कौन है एब्सेंट यार, ये अच्छे गाने क्यों नहीं गा रहे हैं लोग। आपसे बरसों का इंतजार, चोरी चोरी आतिफ असलम। ठीक है ठीक है, ओके गुड है। ऐसा जादू पूर का, अच्छा मैं बहुत जोर लगा रही थी कि कुछ पढ़ने की, लेकिन इट्स इट वाज नॉट इन उर्दू, सो इट्स लीव इट। ओके, रुल दे नवाब, अच्छा ये गाना आ गया है। चलें जी, ऐश रूहान, ऐश ने मुझे ये गाना जो है वो सेंड किया था और आपको ज़रूर सुनाएंगे ऐश का ये गाना। ऐश इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, रैप भी करती हैं, और इनका गाना सुनाएंगे आपको किसी और दिन। चलें जी, अभी आपको सुना रहे हैं राफे इसरार का गाना जिंदगी। बिल्कुल जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जेम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। दैट वाज अ नाइस सॉन्ग, दर बदर बाय बाय हू बाय अननोन बाय हूएवर, बट वॉज सच अ नाइस सॉन्ग बाय, हमारी पाकिस्तानी मूवी का गाना था ये।
अच्छा जी, आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगाम, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अभी मैं आपको सुना रही हूँ अपनी पसंद का एक खूबसूरत सा गाना, जो कि होपफुली आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, फ्रॉम अ सुपर स्टार। दिस इज राय का है वफा यहाँ। बिल्कुल जनाब, गलत फहमियाँ ही होती हैं जो दिलों के रिश्तों को कमज़ोर कर देती हैं। वो क्या है, फासलों में इतनी ताकत कहाँ हुआ करती है। बस वो क्या है कि जब दिल बंद हो जाता है, जब ज़माने से दिल उठ जाता है, जब किसी चीज़ में दिल नहीं लग पाता है, जब बेचैनी हो जाती है, तो बस तलाश होती है किसी अपने की, ऐसे किसी अपने की जिस जो दिल की बात समझता हो, जिसके साथ बैठकर शायद बात भी करना गवारे गवा ज़रूरी ना हो। वो क्या कहते हैं कि मुकम्मल रिश्ता इंसान का तब हो जाता है कि जब इंसान किसी के साथ खामोशी से भी बैठा हो, तो इंसान को बात करने की ज़रूरत महसूस ना हो रही, और फिर भी आप एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी में हो, एक सेंस ऑफ इंटिमेसी में हो। द बेस्ट काइंड ऑफ इंटिमेसी इज़ व्हेन समबडी अंडरस्टैंड्स योर माइंड, द बेस्ट काइंड ऑफ इंटिमेसी व्हेन समबडी अंडरस्टैंड्स योर साइलेंस, द बेस्ट काइंड ऑफ इंटिमेसी व्हेन समबडी एग्जैक्टली नो व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, व्हाट यू रियली वांट एंड व्हाट यू रियली वांट टू हैव इन योर लाइफ। अच्छा जी, अगले गाने की तरफ आपको लिए जा रही हूँ, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी। यस, दैट वाज सच अ नाइस सॉन्ग बाय नो लव विद नहीं, दिस वाज अ नो लव बाय शुभ। बिल्कुल जनाब, और इसी के साथ आपका मेरा साथ आज का हुआ चाहता है खत्म। रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात, और अभी हफ्ते में खत्म होने में रह गए हैं 2 दिन और 2 रात। वाह जी वाह। और बिल्कुल जनाब, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी टिल दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी मैसेजेस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑन माय इंस्टाफैम, फिर यूट्यूब पर भी हमें लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का थैंक यू। और मेरे तमाम साइलेंट लिसनर्स जो सिर्फ सुनते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, थैंक यू वेरी मच उन सबको भी। और इसी के साथ साथ तमाम तरह प्लेटफॉर्म्स पर भी, जितने प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें सुनते हैं, लाइक करते हैं, उन सबको थैंक यू। और अभी मैं आपको छोड़े जा रही हूँ सम रियली really really nice song, so yes, don't go anywhere and stay connected to Mira FM. Tada, good night and shabba khair. This is Mira FM 107.4.